छतरपुर जिले में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न से कराई जा रही हैं। उक्त परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। संभवतः मार्च के आखिरी सप्ताह में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं संपन्न होंगी। इसके पहले शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है। DPC RP लखेर ने बताया कि कक्षा 5वीं की परीक्षा में शासकीय स्कूलों के 31,215 तथा निजी स्कूलों के 10,500 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसी तरह 8वीं की परीक्षा में शासकीय के 30,999 और निजी स्कूलों के 9,705 विद्यार्थी होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा से पहले बच्चों के अभ्यास के लिए विशेष प्रश्न पत्र तैयार कराए हैं। प्रत्येक विकासखंड में 5-5 प्रश्न पत्रों के सेट बनाकर बच्चों के अभ्यास कराया जा रहा है। DPC श्री लखेर ने बताया कि प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में 2 से 3 परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे, जिनका चयन BRC के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 प्रश्न पत्रों के सेट भी हमने तैयार करवाए हैं और वो शालाओं को उपलब्ध करवा करके उनसे अभ्यास करवाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही हम एक प्री बोर्ड एग्जाम भी बच्चों का करवाएंगे मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में। तो परीक्षाएं चूँकि संभावित हैं 20 मार्च के बाद, तो उसके पहले हम एक प्री बोर्ड भी बच्चों का करवाएंगे। सर, सेंटर का इस बार क्या रहेगी व्यवस्था? सेंटर इस बार निर्देश जैसे कि मिले हैं कि एक जन शिक्षा केंद्र में दो या तीन सेंटर ही अधिकतम बनाए जाएंगे और सेंटर के चयन और चिन्हांकन उसका BRC के द्वारा किया जा रहा है। उनको निर्देश दे दिए गए हैं और सेंटर ऐसे बनाएंगे कि बच्चों को कम से कम असुविधा हो और कम से कम दूरी पर परीक्षा में शामिल हो सके। सर, जो बच्चे कमज़ोर हैं तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके या अलग से कुछ किया जा रहा है क्या सर? कमज़ोर बच्चों के लिए ये भी कहा गया है कि उनको एक अलग कक्षाएँ संचालित करवाएँ और दूसरा ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि कम से कम 1 घंटा अतिरिक्त समय उनको दें स्कूल समय के बाद। जो कमज़ोर बच्चे हैं छुट्टी के बाद उन बच्चों को रोक लें और उनकी अलग से 1 घंटे तैयारी या तो शाला प्रारंभ के पहले या शाला समाप्ति के बाद अवश्य करवाई जाए ताकि वो